दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। मैं हूं आपका भाई अभिनव और आप देख रहे हैं अभिनव ब्लॉग्स। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेट लॉस मोटिवेशन कैसे आता है या वेट लॉस के लिए कैसे अपने आप को एनर्जाइज करें, और अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट मंथ की जर्नी कैसी रही। तो बने रहिए इस एक्साइटिंग वीडियो पे। और जो भाई लोग नए आए हैं चैनल पे या जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसी प्लेलिस्ट की पिछली वाली वीडियो देखें जो है पार्ट 1, जिसमें मैं बताऊंगा कि वेट लॉस की जर्नी कैसे शुरुआत कर सकती है, उसका मोटिवेशन कैसे आ सकता है। उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलिए ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो मेरा फर्स्ट मंथ यार बहुत ज़्यादा बुरा रहा। एक्चुअली क्यों, जब मैं पहले दिन जिम करके आया तो आई स्टार्टेड वॉमिटिंग, और ये मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मैंने क्या कर लिया है, मैं छोड़ने वाला हूँ, मेरे को नहीं करना है ये सब। मतलब मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइस कि आई वॉज लिटरली शिवरिंग, और मेरे बॉडी में इतना बुरा पेन हो रहा था और वॉमिटिंग अलग से लग रही थी, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा था। तो फिर भी मतलब एक कहते ना कि अगर ने आपको एक डायरेक्शन दी होती है तो डेफिनेटली फिर आपको कुछ करना ही होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, तो वो मुझे बार बार बोल रही थी यार ठीक है, इट्स फर्स्ट डे, होता है, सबके साथ होता है, यू गो ऑन। मैं सेकेंड डे पहुंच गया, और जिसे कहते हैं ना कि भाई फिर लग गया। अब चक्कर क्या था मेरे साथ फर्स्ट मंथ में कि यार आपका ना, एक फैक्ट बताता हूँ कि जब आप जिम एकदम शुरू करोगे ना, आपका वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। द रीजन इज क्योंकि वो वाटर वेट है। आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि वाटर वेट पहले आता है फिर बाद में फैट आता है, तो वाटर वेट जल्दी जल्दी घटेगा तो आपको लगेगा यार कितना वेट लूज हो रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी वो लूज होगा उतनी उससे ज्यादा जल्दी वो गेन भी हो सकता है। तो मैं ट्रेडमिल जा रहा, मैं ट्रेडमिल पे हाफ एन आवर भाग रहा हूँ, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, आई वॉज डूइंग क्रॉस फिट, उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ। तो यार मेरे पास ना कोई डायरेक्शन नहीं थी, जिसे कहते हैं ना दिशाहीन पर्सन, ये मुझे पता ही नहीं था मेरे को क्या करना है। मेरे पास एक्सरसाइज नहीं है, मेरे पास कोई वे आउट नहीं है, मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊँ। इसी वजह से मेरे को मेरे पीटी मतलब पर्सनल ट्रेनर, मेरे भाई नीरज, वो मिले मुझे जिम में, और उन्होंने बोला कि देखो यार ये जर्नी या तो लोग फेल होते हैं या पास होते हैं, देर इज नो मिडल मैन। तो उन्होंने मेरे को एक डायरेक्शन दिखाई, ही स्टार्टेड ट्रेनिंग मी आउट। तो एक दो दिन ट्रेनिंग लेने के बाद आई फेल्ट लाइक ठीक है यार, मेरे को रिजल्ट्स आ रहे हैं, आई एम इन गुड हैंड्स, और मैंने पीटी ले ली। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको पीटी लेनी चाहिए या पीटी नहीं लेनी चाहिए, इट्स अप टू यू। अगर आप पहले से ही कभी कर चुके हो जिम और आपको एक्सरसाइजेस पता है, इट्स बेटर आप वही फॉलो करो, और अगर आपको उनसे रिजल्ट आया है तो। मेरे लिए मैंने कभी करी नहीं थी, तो मेरे को रिजल्ट चाहिए थे और वो भी जल्दी चाहिए थे। मैं इंडियन माइंडसेट का हूँ भाई, जल्दी जल्दी चाहिए होता है चीज़ है। तो भाई मैंने पीटी ले ली और मेरे को रिजल्ट आने लगे। फर्स्ट मंथ तो इनक्रेडिबल वेट लॉस हुआ कि मैं सीधा ही 6-7 kg लॉस कर गया था, क्योंकि मेरा वाटर वेट इतना ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगने लगा यार ये तो मैं शायद 2 महीने में पूरा ख़त्म कर दूंगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेरे ट्रेनर मुझे पहले ही बोल चुके थे कि आपका ये वाटर वेट गया है और अब जो जाएगा वो फैट जाएगा, तो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी और वेट जाना या फैट लॉस होना बंद हो जाएगा, उसके बाद हमें आगे पुश करना पड़ता है जिससे कि वो फैट घटे। तो फर्स्ट मंथ की जर्नी वॉज बिटर टफ ऑन द साइड, क्योंकि मेरे को ना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, रोप्स क्लाइंबिंग, सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाना, 45-50 मिनट्स कार्डियो करना, फिर वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देना, और मतलब जिसे कहते हैं ना एक बुरी हालत कर देना। मैं रोज जिम में जाके 2 to 2.5 hours दे रहा था, और मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल टूट जाती थी आके। उसी दौरान मतलब मेरे को ये भी मेरे ट्रेनर हेल्प कर रहे थे टू हैव अ गुड डाइट, ताकि मेरी बॉडी रिकवर भी करे उस चीज़ों से, मेरे मसल्स रिकवर करे जो ब्रेक डाउन हो रहे थे एक्सरसाइजेज में। हाँ, मैंने आपको कल भी कहा था, ट्रीट योर सेल्फ। अगर आप एक हफ्ते में अपना गोल अचीव कर लेते हैं, लाइक यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को 2 किलो के हम करना है इस पर्टिकुलर वीक में, एंड यू हैव डिड दैट, तो भाई ट्रीट करो, ट्रीट करो, डोंट गिव अप। ठीक है, तुम जाके एक मील बाहर से खाया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, अगले दिन निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले दिन जिम में जाके बढ़िया कसरत करना, एक्सरसाइज करना, इट विल बी डन। तो मैं भी ऐसे करता था, एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते का, मेरा गोल एक्चुअली 2 हफ्ते का होता था, तो आई वॉज टारगेटिंग समवेयर अराउंड 3-3.5 kgs, और अगर वो अचीव हो रहा था किसी पर्टिकुलर वीक या पर्टिकुलर 2 वीक्स में, तो यार मैं अपने आप को ट्रीट करता था। मेरी और मेरी वाइफ को डोसा खाना बहुत पसंद है, सो वी वेंट टू डोसा शॉप और हम डोसा खा के आते थे, और ऐसे ही मेरे को और मोटिवेशन मिलता था कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं और भी बेटर कर सकता हूँ। तो ऐसे ही इट टुक मी ऑलमोस्ट 3.5 या 4 मंथ्स ऑडली
जो मैं अपनी वेट जर्नी पे अभी तक इतना आपके सामने हूँ, मैं याद रखना इस वीडियो में अपनी फोटोज डालूंगा पहले की और आप अभी देख सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी बताऊंगा कि मैंने क्या एक्सरसाइजेस की और मेरा फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगी होगी। मैं इस वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ, द रीजन इसको कि ये सीरीज बहुत लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। इस वीडियो में ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, मैंने अपने फर्स्ट मंथ की जर्नी बताई, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भाई बहन या कोई भी आप लोगों में से वेट लॉस कर रहा है तो आप अपना कमेंट में शेयर करें कि आपकी जर्नी कैसी रही हो। बट फर्स्ट मंथ देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, कार्डियो पे ज्यादा ध्यान दो। फर्स्ट 2-3 मंथ्स कार्डियो पे ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज कार्डियो आपका इमीडिएट वेट लॉस कराने में बहुत हेल्प करेगा। डोंट गो एंड डू वेट ट्रेनिंग और डम्बल से, क्योंकि यार उससे ना फिर वो वेट वो पहलवान टाइप का हो जाता है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। तो वेट लॉस करो और प्रॉपर वे में करो, कार्डियो पे ज्यादा ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की। अंटिल देन हैव अ गुड डे गाइस, मुझे प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।